मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, रेलवे जेई की वैकेंसी आ गई है और आपके इसके लिए बहुत सारे प्रश्न मन में उठ रहे होंगे। कितनी वैकेंसी कौन सी ब्रांच में आएगी, किस तरीके की वैकेंसी आती है, तो किस तरीके से हमको प्रिपरेशन करनी चाहिए, कौन से बुक प्रीफर करनी चाहिए, पिछला वाला का क्या पैटर्न रहा, कैसे सिलेक्शन हुआ था। क्योंकि मैंने भी दिया था, CBT 1 भी हुआ था, CBT 2 में नहीं हुआ था। मैं अपना गलती स्वीकार करता हूँ। हालाँकि पिछली बार चीटिंग बहुत भी हुई थी, वो भी एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन वो मेरे लिए फैक्टर नहीं है। नहीं हुआ। लेकिन इस बार डिस्कस करने वाले हैं कि ब्रांच वाइज कितना सीट आएगा और तमाम जो चीज़ें हैं पिछली बार की अपेक्षा क्या चीजें नई हो सकती है। क्योंकि इस बार बहुत सारे बच्चे नए होंगे, इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान देनी है, तमाम चीजों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि ये देखिएगा, ये पिछला वाला वैकेंसी है जहां पे आपको 13,487 वैकेंसी आई थी, जूनियर इंजीनियर की 12,844 और आपके IT की वैकेंसी 29 थी और डिपोर्ट सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी जो कि 227 थी और आपके केमिकल मेटलर्जिकल की 387 थी। इसी के रेशियो में इस बार भी वैकेंसी जो आपके 8,000 आई है वो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। चूंकि देखिएगा यहाँ पे, हालांकि जो आपके गोरखपुर का ही यहाँ पे आपके सुपरिटेंडेंट की जो सुपरवाइजर की वैकेंसी आई है, केमिकल सुपरवाइजर की 17, लेकिन और भी जोन का जैसे ही नोटिस आती है वो आ जाएगा। लेकिन आपके जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है वो आपकी 8,000, क्या ये जोन वाइज आएगी या सेंट्रलाइज आएगी, यानी कि एक ही मतलब कि जोन, जिस तरीके से RPF की वैकेंसी आई थी जिसमें कोई जोन का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, क्या वैसा आएगा, तो मैं आपको वो भी चर्चा करके बताता हूँ कि उस तरीके की वैकेंसी नहीं आएगी, आपकी जोन वाइज ही वैकेंसी आएगी। क्योंकि ये आपके RPF की जो वैकेंसी है वो एक अलग जो संस्था है वो उसको रिप्रेजेंट करती है, और उसमें सेंट्रलाइज जैसे आपके CRPF है, क्या स्टेट वाइज आती है, अलग तो नहीं आती है। हाँ, वो अलग बात है कि डिप्टेशन जो होती है, जो होती है वो स्टेट वाइज आपको भेजे जाते हैं, लेकिन वो सेंट्रलाइज आपके जॉब है, उसी तरीके से RPF को भी सेंट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है ताकि एक जगह से दूसरे जगह आसानी से वो भेजा जा सके पुलिस फोर्स को। तो इस वजह से ये वाला जो वैकेंसी आपकी है वो आपके सेंट्रलाइज नहीं होके ये आपके जोन वाइज ही वैकेंसी होगी। चलिए, तमाम चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। अगर आप रेलवे JEE की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ बुक मैं बता रहा हूँ जो आपको हिंदी मीडियम में भी मिल जाएगा। JEE जूनियर इंजीनियर का, रेलवे का प्रीवियस ईयर का जो कुछ सॉल्व पेपर 34 सेट्स हैं वो आपको TCS पैटर्न पे मिल जाएंगे। CBT 1 के आपको इंग्लिश में भी ये सेट मिल जाएंगे। उसी तरीके से अगर हम बात करें रेलवे के जितने भी CBT 1 होंगे JEE के, वो आपके नॉन टेक ही होंगे, तो नॉन टेक के लिए यहाँ पे आपको सामान्य विज्ञान काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो भी आपको यहाँ पे बुक मिल जाएंगे। उसके बाद ये सभी किरण पब्लिकेशन की बुक है। सामान्य ज्ञान के भी बहुत सारे प्रश्न आपको CBT 1 में देखने को मिलेंगे, NCERT पैटर्न पर वो भी ये बुक आप खरीद सकते हैं। रेलवे का जितने भी रीजनिंग अभी तक आया है उसका आप शॉर्ट पेपर लगा लेंगे तो आपका JEE का प्रिपरेशन CBT 1 का 100% हो जाएगा। यहाँ पर मैथमेटिक्स के जो बुक है वो आपको मैथ को कवर कर लेगा। JEE में जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे इसी से सब पूछे जाते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी बुक का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके इन सभी बुक को जरूर परचेज कर लीजिए। किरण पब्लिकेशन की ये बेस्ट बुक है जो कि आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करेगी। चलिए, अब बात कर लेते हैं कि जो आपका प्रीवियस जो ईयर 2018 का जो नोटिफिकेशन है आपके JEE का, उससे कंपेरिजन कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें चेंज हो सकते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। इसी तरह का नोटिस जब आपके रेलवे JEE 2024 का आएगा तो आप देखेंगे कि इसी तरह से होगा और इसी में कुछ चेंजेज आपको देखने को मिलेगा। डेट से हमको मतलब नहीं है कि चूंकि ये डेट पुराना है, 2019 वाला ये जो नोटिफिकेशन है उससे हम चीजों को समझ सकते हैं कि समझने के लिए यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती है और यही एग्जैक्टली इसी में कुछ डेट वगैरह चेंज करके, कुछ चीज़ें चेंज करके आपको पब्लिश कर देंगे। तो पहले ही देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या होती है। देखिएगा, यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड की बात कर रहा है कि कौन से मेडिकल स्टैंडर्ड में कितना विजन आपको चाहिए वो आप देख सकते हैं। ये वाला PDF भी मैं, आप अगर चाहेंगे तो टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। तो उसके बाद एलिजिबिलिटी की बात करें कि कौन से नेशनलिटी वाले यहाँ पे भर सकते हैं, जो आप देखेंगे नेपाल भूटान वगैरह वाले भी इसमें भर सकते हैं। एज की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको एज ऑलरेडी यहाँ पे 36 कर दी गई है, चूंकि 33 ही रहता था, चूंकि इस बार कोरोना का जो फैक्टर है उसको इसमें लिमिट बनाया गया है, इस वजह से यहाँ पे आपको 36 देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात करें तो उसमें भी SC ST को 5 साल, OBC को और नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, और बाकी PW BD वाले भी जो है वो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं, या आप एक सर्विसमैन वाले हैं वो भी
ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जैसा कि मैंने बताया है कि डिप्लोमा वाले भर सकते हैं और आपके बीटेक एमटेक सब इसमें भर सकते हैं, ठीक है। सेंट्रल जॉब में बीटेक वाले अलाउ होते हैं जेई में। 500 रुपया फीस है, 250 रुपया फीस है, ये आपको पता ही है। ट्रांसजेंडर वगैरह एस सी एस टी वाले को इतना लगता है और वो भी पैसा आपको लौटा दिया जाता है। सी बी टी 1 सी बी टी 2 दो मोड में होते हैं आपके ये वाला एग्जाम। सी बी टी 1 जो होता है वो नॉन टेक होता है और यहाँ पे देख लेते हैं पैटर्न कैसे कैसे। यहाँ पे आपको सी बी टी 1 कितने क्वेश्चन के होंगे, सी बी टी 2 कितने क्वेश्चन के होंगे, वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। देख लेते हैं नीचे, जैसे ही हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जाइएगा तो यहाँ पे देखिएगा सी बी टी 1 जो है वो 90 मिनट का होगा और पी डब्ल्यू बी डी वाले को जो कि विजुअली इम्पेयर्ड हैं उनको आपको 120 मिनट का होगा और इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको जनरल मैथ्स के क्वेश्चन जो कि अभी मैंने बुक दिखाया, उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, उसके बाद जनरल साइंस के क्वेश्चन जो कि काफ़ी वेटेज है और ये 10वें स्टैंडर्ड तक ही पूछे जाते हैं। यानी कि आप मान के चलो कि ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होता है वैसा ही कुछ यहाँ पे आपको सी बी टी 1 देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ऊपर हो सकता है। पैटर्न देख लेते हैं, एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर का होता है और 0.33 आपको निगेटिव देखने को मिल जाता है। ये आपके टोटल पैटर्न है। यहाँ पर देखिएगा मैथ्स भी 30 क्वेश्चन है और आपके जनरल साइंस भी 30 क्वेश्चन है, रीजनिंग 25 क्वेश्चन है और जनरल अवेयरनेस आपके 15 क्वेश्चन है, साइंस आपके 30 क्वेश्चन है। तो ये 90 मिनट में आपको निपटाने हैं। उसके बाद अगर सी बी टी 2 की हम बात करें तो 15 गुना आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 15 गुना, यानी कि अगर 8000 वैकेंसी है तो 15×8=20 से, यानी कि 15×6=90 और 15×8=20 से, ठीक है। तो यानी कि 1,20,000 लोगों को यहाँ पे सी बी टी 2 के लिए बुलाया जाएगा तो उसमें सिलेक्शन हो जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सी बी टी 2 जो होगा वो आपके 120 मिनट के 150 क्वेश्चन होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन पे भी आपको एक मिनट से कम समय देखने को मिल रहा है। चलिए यहाँ पे सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है वो जनरल अवेयरनेस भी पूछा जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री जो कि 10th स्टैंडर्ड तक पूछा जाएगा, उसके बाद बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में पूछा जाएगा यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड, उसके बाद यहाँ पे बेसिक इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन के बारे में पूछा जाएगा, टेक्निकल एबिलिटी के बारे में ई सेक्शन में है। अब देख लेते हैं कि कहाँ पे कितना क्वेश्चन कितना नंबर का आएगा। देखिए यहाँ पे जीके फिर से पूछा जा रहा है, सी बी टी 2 में 15 क्वेश्चन। फिजिकल केमिस्ट्री की हम फिजिक्स एंड सॉरी केमिस्ट्री की बात करें तो ये आपके 10th स्टैंडर्ड की है, वो 15 नंबर का पूछा जाएगा, 15 क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे इन्वायरमेंट पॉल्यूशन की बात करें तो ये आपको 10 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद अपने अपने डिपार्टमेंट से, यानी कि आप अगर मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल के 100 क्वेश्चन, अगर आप जो है वो सिविल से हैं तो सिविल के 100 क्वेश्चन, और वो भी सिंपल सिंपल क्वेश्चन, वो उतना भी टफ नहीं पूछा जाता है, मैंने दिया है तभी मैं आपको बता रहा हूँ। चूँकि हाई कट ऑफ चला गया था, चूँकि चीटिंग हुई थी और ये TCS कंडक्ट नहीं कराया था तो इस वजह से थोड़ा सा कट ऑफ हाई चला गया था। तो 100 क्वेश्चन आपको टेक्निकल एबिलिटी से, यानी कि अपने ब्रांच से आपको 100 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन सभी के लिए कॉमन होंगे, ठीक है। तो ये है आपके 150 क्वेश्चन 120 मिनट में निपटाने हैं, उसी के आधार पर, इसी के आधार पर आपको जॉब मिलेगी इस सेक्शन के आधार पर। यानी कि आप ऐसा नहीं है कि आपको 150 में जो है वो सॉरी 100 नंबर का जो आपका टेक्निकल एबिलिटी है उसमें इतना नंबर लाना कंपलसरी है, ऐसा कुछ नहीं है। ओवरऑल आपको लाना है यूआर में 40% और ओबीसी में 30%, उसी तरीके से एससी में एसटी में आपके 30% और 25% लाने हैं। अब देख लेते हैं कि कौन से ब्रांच में कौन से ब्रांच वाले सब ब्रांच वाले एलिजिबल हैं। तो मैकेनिकल के लिए अगर वैकेंसी निकलती जो भी हैं तो उसमें ये मैकेनिकल वाले भी भर सकते हैं, क्योंकि सब ब्रांच बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे ब्रांच हैं जो कि जिसके पेरेंट्स ब्रांच क्या है मैकेनिकल है, जिसके पेरेंट्स ब्रांच इलेक्ट्रिकल है, तो वो सभी सब ब्रांच वाले भी इसमें भर सकते हैं। चलिए ये तो हो गया ब्रांच वाइज कि कौन कौन से ब्रांच वाइज भर सकते हैं, पेंटिंग टेक्नोलॉजी में कौन वाले भर सकते हैं, या आपके CMA में BSc केमिस्ट्री और फिजिक्स वाले भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर और भी हम बात करें तो यहाँ पे कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर साइंस जिसने कर रखा है वो भी आपका भर सकता है, बीटेक कंप्यूटर साइंस में कर रखे हैं लेकिन उसकी वैकेंसी बहुत कम रहती है, ये आपने अभी देखा भी है। चलिए ये सब चीज़ें हैं। तो अब बात कर लेते हैं, ये इतना चीज़ें तो आपको समझ में आ गया है। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन के आधार पर आपके रिजल्ट निकलेंगे, ये सब जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको फाइनल कर दिए। नीचे जाइएगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो आपका वैकेंसी है वो देखने को मिलेगा, वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की कौन से जोन में कितना वैकेंसी है। तो ये मैटर तो करता नहीं है क्योंकि अब नए सीधे से आपकी वैकेंसी निकलेगी, तो कौन से जोन में पिछला बार कितना निकला था उसको एक कंपाइल वे में हमने रखा है
कि देखिए कि अगर यहाँ से मेडिकल स्टैंडर्ड दे रखा है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ये आपका कौन सा जोन का, अजमेर जोन का, तो यहाँ पे देखिएगा ये आपके मैकेनिकल में ये सब सीटें आ गई, मैकेनिकल। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा मैकेनिकल की अच्छी खासी वैकेंसी थी, फिर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी थी, उसके बाद आपको नीचे जाइएगा तो सब इलेक्ट्रिकल, फिर ASNT की वैकेंसी थी, उसके बाद अगर और नीचे जाइएगा तो ये इलेक्ट्रिकल स्टोर की वैकेंसी थी, यहाँ पे देखिएगा इंजीनियरिंग जो वैकेंसी है, यहाँ पे देखिएगा पीवे ब्रिज, ये सब डिजाइन जो कि आपके सिविल की वैकेंसी है, वर्क्स जो वगैरह वगैरह है, तो इसमें आपको सिविल की देखने, पीवे में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है ये, जो कि आपके सिविल की वैकेंसी है। हालांकि इसमें मैकेनिकल के भी कुछ सीटें होती है, लेकिन ज़्यादातर सिविल के ही आपके सीटें हैं। तो अब बात कर लेते हैं जो अगर 8000 वैकेंसी है तो कितना सीटें सिविल की होगी, कितना मैकेनिकल की, कितना इलेक्ट्रिकल की, और बाकी IT वगैरह का तो आप जानती हैं कि कितना होता है। तो अगर 8000 में सपोज 500 वैकेंसी जो है वो IT, नॉन IT, अलग अलग जो छोटे मोटे ब्रांच है, CMA वगैरह वगैरह छोड़ दें, तो 500 उधर अगर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जो कि मैक्सिमम है, तो ऊपर भी आपके 7500 वैकेंसी आती है। 7500 वैकेंसी में आप मान के चलो कि आपके 4000 वैकेंसी जो है आपके सिविल की वैकेंसी आएगी। उसके बाद मैकेनिकल की कम से कम तो आपको 2000 से 2500 देखने को मिलेगी, उसके बाद इलेक्ट्रिकल की 1500 से 2000 आपको देखने को मिलेगी। यही आपकी वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। आप बुरा मत मानिएगा अगर आप मैकेनिकल से हैं तो आप कहेंगे कि हमको कम दिखा रहा है, जो है जो है, आप भी जानते हैं, अगर आप तो इंजीनियर खुद हैं तो आपको भी पता है कि आपके लिए कितनी वैकेंसी निकलती है, इलेक्ट्रिकल वाले के लिए कितनी वैकेंसी, हालांकि इलेक्ट्रिकल वाले के भी लगभग बराबर ही वैकेंसी निकलेगी मैकेनिकल के लिए, लेकिन आपको भी पता है कि सिविल की स्कोप गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सिविल हूँ इसलिए मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, ये आप पिछला वैकेंसी से ही आप इंक्लूड कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 12-12500 तकरीबन उसमें वैकेंसी थी, जिसमें कि 5500-6000 के अराउंड आपको देखने को मिल रही थी सिविल की वैकेंसी, इवन 7000 के अराउंड में चल गई थी वैकेंसी। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको मतलब डाइजेस्ट करना पड़ेगा कि ऐसे ही वैकेंसी की डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।